हेलो फूडीज़, वेलकम टू होम फूडी मैजिका। आज हम बनाएंगे मटका मटन बिरयानी। तो सबसे पहले हम बिरयानी का मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा और 7 से 8 मेरे पास छोटी इलायची है और 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का है और 4 से 5 लौंग है, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका मसाला रेडी कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास 1/2 kg मटन है और अब हम सबसे पहले मटन को मैरिनेट करेंगे। ये हमारे पास कच्चा पपीता और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दही, 1/4 से दूध में केसर मिला के रखा था, इसको हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप फ्राइड अनियन। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया। अब हम इसको हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें इसको 5 से 10 मिनट तक। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। अब हम इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये 1/2 kg हमारे पास राइस है और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और अब हम इसको बॉईल करेंगे। इधर मैंने पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून ऑयल और ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 स्टार फूल और 1 लिया हमने जावित्री का फूल छोटा सा और 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और 1 टीस्पून धनिया, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद फ्लेम हम अपना फुल रखेंगे और इसमें पानी में एक बॉईल आ जाएगा, तब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। अब ये देखिए, हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। अभी इन राइस को सिर्फ हमें 50% ही पकाना है। जो हम परत वाली बिरयानी बनाते हैं उसमें हम 70-80% राइस को पकाते हैं, पर हम ये जो मटके में बनाएंगे बिरयानी, इसमें हम सिर्फ चावलों को 50% ही पकाएंगे। अब ये देखिए, राइस को पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि ये हमारे राइस देखिए 50% पक चुके हैं। इनको हम एक बार चेक कर लेंगे, इस तरीके से ऐसे टूटना चाहिए। 50% हमारा पक चुका है राइस और इसको हम अलग छान कर निकाल लेंगे। अब ये देखिए, ये मेरे पास मटका है और इसके अंदर हम सबसे पहले ये जो हमने मटन को मैरिनेट करके रखा था, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इस मटन को इसके अंदर अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ा सा पुदीना। मेरे पास फ्राइड ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, किशमिश, इनको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने ये राइस। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, पुदीना,
अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने केसर का दूध थोड़ा सा बचाया था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून देसी घी, 1 कुछ नींबू के स्लाइसेस हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसके चारों तरफ ये आटा लगा देंगे। और इस ढक्कन से इसको अच्छे से कवर करते हुए अच्छे से ढक देंगे। स्टार्टिंग में हम इसे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम लो फ्लेम पर 45 मिनट्स के लिए इसको पकने देंगे। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको मीडियम फ्लेम पर रखे हुए। अब हम अपनी फ्लेम लो कर देंगे और दम पर इसको 45 मिनट्स के लिए पकाएंगे। ये देखिए हमारी मटका बिरयानी को 55 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। 10 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर रखा था, फिर 45 मिनट हमने लो फ्लेम पर रखा है। चलिए अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए हमारी मटका बिरयानी एकदम रेडी है। मैं आपको इसके राइस दिखाती हूँ, एकदम खिले हुए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।